भारत देश की रक्षा के लिए अंग्रेजों से लोहा लेते हुए ग्वालियर में शहीद हुई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की शहादत की 163वीं वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर ग्वालियर में उनकी समाधि स्थल पर बलिदान मेला आयोजित किया गया, जिसमें झांसी के किले से एक मशाल को ग्वालियर में लाकर रानी लक्ष्मीबाई की समाधि पर स्थापित किया गया। इस मौके पर शहर के 71 प्रमुख चौराहों पर दीपदान भी किया गया। आपको बता दें कि 22 साल बलिदान मेला आयोजित किया जाता है, मगर इस बार कोविड गाइडलाइन के अनुसार बलिदान मेले का स्वरूप काफी छोटा रखा गया। बलिदान मेले का आज से शुभारंभ हो गया है, हालांकि हर साल की तरह इस बार नहीं, कोविड काल चल रहा है, फिर भी इसे किस तरह से लोगों तक, जन जन तक पहुँचाने की कोशिश है, क्या संदेश दे रहे हैं आज? देखिए, अभी हाल झांसी के किले से आई शहीद ज्योति को हमने पड़ाव से पैदल पैदल अगवानी करते हुए अश्वारोही झांकियों के साथ वीरांगना की समाधि पर स्थापित किया है। ये महारानी की पुण्यात्मा का प्रतीक है शहीद ज्योति, जो प्रतीक रूप में झांसी से बुंदेली युवा लाते हैं, और ग्वालियरवासी इस स्वतंत्रता के काल में फूल की पंखुड़ियाँ बिछाकर उसका स्वागत करते हैं। ये परंपरा 22वां वर्ष हो रहा है इसको पूरा, लेकिन इस बार जब यहाँ ज्योति स्थापित की जा रही थी तो ग्वालियर शहर के 71 प्रमुख चौराहे, तिराहे और चिन्हित स्थानों पर कम से कम 21 दीप वीरांगना के चित्र के समक्ष श्रद्धा के जलाए जा रहे थे, और ये जो श्रद्धा के दीप क्रांतिकारियों के नाम से शहर के कोने कोने में जले हैं, तो ऐसे लग रहा है जैसे बलिदानी उत्सव से पूरा ग्वालियर शहर 163 साल पुरानी स्मृतियों में आ गया है। तो आज हमने शहीद ज्योति की स्थापना की है, कल सुबह 8 बजे कोरोना योद्धा मातृशक्ति सम्मान हम 7 बहनों को देने जा रहे हैं श्रद्धांजलि के पंडाल में। कुछ डॉक्टर्स हैं, नर्स हैं, स्वच्छता कर्मी हैं।